गाइस अभी मैं आ रहा हूँ सेक्टर 34। वहाँ पे एक फेयर लगा हुआ है, वो फेयर देख के आता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि क्या क्या है उस फेयर में। तो फिलहाल हेडिंग टुवर्ड्स द फेयर, बाय बाय, मिलते हैं फेयर में। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ सेक्टर 34 और जा रहा हूँ मेरे एंट्री करने। सबसे पहले अपना कैमरा ले लिया जाए। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आया तो फेयर देखने था और ये गणेश जी के मंदिर में कहाँ पहुंच गया। तो मैं किसी मंदिर में नहीं आया हूँ, मैं यहाँ 34 के फेयर में ही आया हूँ और ये है यहाँ का एंट्री पॉइंट जो कि बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। यहाँ एंट्री पॉइंट पे ये छोटे छोटे हाथी बने हुए हैं और ये सेट काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है। इसकी थीम कौन सी है खैर ये मुझे समझ नहीं आया और ना ही मैंने किसी से पूछा, सो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। अगर आपने यहाँ पर विजिट किया है या यहाँ विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि थीम कौन सी है जिस पर इनका सेट डिजाइन किया गया है। इस फेयर में एंट्री करते ही जो सबसे पहली चीज मुझे दिखी वो है ये जेंट व्हील। इसके थोड़े मल्टी एंगल शॉट्स आपको दिखा देता हूँ। जेंट व्हील की राइड मुझे बहुत पसंद है तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा जेंट व्हील की राइड का मजा लेना। और ये है यहाँ का एरियल व्यू जो कि मैं जाइंट व्हील से ले रहा हूँ। और ये गलत टाइम पे व्हील नीचे जाते हुए, अभी मैं जस्ट व्यू कैप्चर ही कर रहा था यहाँ का इसमें से। और अभी मैं हिम्मत करके जाइंट व्हील पे बैठ तो गया हूँ पर डर बहुत लग रहा है, खराब होते हुए अभी भी चक्कर आ रहे हैं नीचे का व्यू। और ये नीचे जा रहा है जाइंट व्हील, सांस रुकी आ रही है। और इसी के साथ मजा आ रहा है पर डर भी बहुत लग रहा है। ओ ये आपके लगे इस राइड पे कि आपको जन्नत की सैर करवा देगी जिंदगी। इस राइड में बैठना मौत को गले लगाने जैसा है। इस झूले पे बैठना है तो हाथ को आप पकड़ के साइड में है। एंड दिस मैन इज इंक्रीजिंग हिज स्पीड। से उतर के चक्कर ही आ रहे हैं और अब आगे चले चक्कर खाते हुए। इस फेयर में एंट्री करते ही आपको दिख जाती है ये पानीपत हैंडलूम की शॉप जिनके पास की काफी अच्छी क्वालिटी के हैंडलूम्स अवेलेबल हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन बाय देम हियर चीपेस्ट हैंडलूम आइटम्स। मतलब ये चीपेस्ट तो है बट बेस्ट भी है, क्वालिटी काफी अच्छी है हैंडलूम्स की। सो जस्ट गो देयर एंड ट्राई इफ यू लाइक देम, बाय। इस फेयर में आपको देखने को मिलेगी ये शॉप जहाँ पे चीनी मिट्टी के काफी अच्छे कॉफी मग्स अवेलेबल हैं और काफी सारे बर्तन और शो पीसेस भी हैं। औरतों की शॉपिंग का ध्यान रखते हुए आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप्स भी हैं यहाँ पे। अगर आपको हेल्दी ईटिंग की आदत है तो यहाँ पे वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, हेल्दी फ्रूट चाट जिसका टेस्ट काफी अच्छा है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। कपड़ों की भी काफी शॉप्स अवेलेबल हैं यहाँ पे पर मुझे खैर ये कुछ खास पसंद नहीं आए। शॉपिंग के लिए इस बार यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वो एक तरह से जुआ या सट्टे वाली ही हैं जिनमें कि आप 50 रुपये दो रिंग फेंको या बॉल्स फेंको और आपको इनाम मिलेगा अगर आप लकी नंबर तक पहुँच जाते हैं या एक बॉल मार के आपको 6 गिलास ज़मीन पर गिराने होते हैं। सो मुझे ये सब कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगा। सर्दियों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और होता है तो यहाँ पे सोया आइसक्रीम भी अवेलेबल है। घरों में लाइटनिंग के लिए
लैंप्स काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी के हैं यहाँ पे, और प्राइस भी काफ़ी सही है उनके अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। सोया चाप वैसे मैंने कई बार खाई है, पर यहाँ पे जो सोया चाप खाई उसका टेस्ट वाकई ही बहुत अलग था और काफ़ी अच्छी थी। फर्नीचर आइटम यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के अवेलेबल हैं। ये मल्टीपर्पज शॉप यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी लगी और यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग भी की। अरे मैं भाई अपने बेबी के साथ भी घूम रहा हूँ यहाँ पे, पर अफसोस इसके लायक यहाँ कोई रेंट नहीं है और ना इसके खाने पीने के लायक, बिकॉज ये सिर्फ दूध पीता है वो भी लैक्टोजन वाला, पर फिर भी ये खुश है यहाँ के। कैसा लग रहा है बेबी आपको बताओ जरा? चल भी टाइम लिखे नहीं, चल भी टाइम बेबी सामने देखो, कहाँ देख रहे हो? फिर मैं घूमते घूमते भूख लगने लगी थी और कुछ चटपटा खाने का मन किया, सो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल की दिल्ली की मशहूर आलू चाट, टिक्की, बर्गर, दही भल्ले, गोलगप्पे, पाव भाजी, चाउमीन, मटर कुल्चा, छोले भटूरे, चिल्ला, रुमाली रोटी, काठी कबाब, चाप, मसाला डोसा, और हाँ सच कहूँ इतने सारे आइटम्स इन्होंने लिखी हुई हैं पर ये सारी अवेलेबल हैं नहीं। सो मुझे पाव भाजी और नूडल्स के साथ ही गुजारा करना पड़ा, साथ में दही भल्ले भी मिल गए, पर हाँ इनका टेस्ट काफ़ी लाजवाब है। अगर आप चटपटा खाने के शौकीन हैं तो ज़रूर ट्राई करें। खाना पीना तो हो गया, अब आपको आगे की राइड्स दिखा दूं क्या क्या राइड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे इस फेयर में। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस फेयर की सबसे खतरनाक चीज। इस राइड का नाम है रेंजर। खैर इसका नाम अगर डेंजर होता तो ज्यादा शूट करता, इंसान को पूरी तरह से घुमा देता है। और इसके बीच अपना मोबाइल या कैमरा लेके जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, बट एक अलग ही एक्सपीरियंस था इस राइड में बैठने का। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम ऑन दिस रेंजर व्हील। अगर आपके बच्चे 5 साल से बड़े हैं और वो सिंगिंग या डांसिंग का शौक रखते हैं तो यहाँ पे सिंगिंग एंड डांसिंग कंपटीशन चल रहा है, वो यहाँ पे फॉर्म भर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये दो बच्चे काफ़ी अच्छा डांस कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। जैसे ही मैं फेयर से एग्जिट करने लगा, ये पान वाले भाई साहब ने बुलाया और अपनी शेर व शायरी सुनाई जो कि मुझे बहुत पसंद आई और मैंने इनके पास पान भी खाया। जब तेरा तीर चला मेरी तीर के साथ, जब तेरा तीर चला मेरी तीर के साथ, मेरी हसरतें फूट फूट कर रोए तेरी तस्वीर के साथ, ऐ फोटोग्राफर उस्ताद मसीहा तो तब मानू मेरा दर्द भी खींच ले अपनी तस्वीर के साथ। वाह क्या बात है। पान भी काफी अच्छा था और इनकी शायरी का तो कहना ही क्या, वो भी बहुत ही अच्छी थी। तो अगर आप इस पेयर में जाएं तो इनकी शायरी जरूर सुने और पान भी जरूर खाएं। क्या कहा भैया, इनके सूरज सदा है आपकी निगाहें देखती है मेरी, और कतल होने को मेरा दिल है ताकि लदाए आपकी। इनको कत्ल यहाँ जरूर होता है, अरे कत्ल यहाँ जरूर होता है कि उस महफिल में बेकसूर होता है और कष्ट या खुद नहीं डूबती, कुछ अपना भी कसूर होता है। ये फेयर अभी चंडीगढ़ में 28 नवंबर तक चलेगा, उसके बाद इसकी क्लोजिंग है और साथ में ही दूसरा फेयर स्टार्ट हो जाएगा 1st of December से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।
ताकि मैं आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस दिखाता रहूं। और हाँ, किसी और प्लेस की आप वीडियो अगर चंडीगढ़ में देखना चाहते हो दैन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, मैं ज़रूर वहाँ की एक वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।